बताओ देख लो इनकी कार नहीं इसको पसंद है। ये ओए उठ जाओ। ओपन आई हैप्पी बर्थडे HBD मम्मी शेम ऑन यू रात को मुझे विश कर रहे हैं HBD रात नींद बंदा करेगा तो कितनी क्या कंपल्शन लगी हुई थी HBD की आपको। मैं सुबह उठ के सबके मैसेजेस देख रही हूँ और रात को मैम ने मैसेजेस किए हुए HBD। एक मिनट तो मुझे भी लगा कि ये क्या है फिर मुझे समझ आया मैंने कहा शॉर्ट में विश करते हैं। गुड मॉर्निंग आज की मार्च को घूमी लेके जाना है। कहाँ जाना है? मैंने सोचा इसको कंजूगर पापा तो बिजी है मैं दोनों इजाजत ले ली है। कहाँ कहाँ? पंजोन या जस्ट किडिंग लेके जाते हैं। बर्थडे उसका मेरा इसका है। आज आज हैप्पी बर्थडे मम्मा। मम्मा तुझे क्या गिफ्ट है आज की मार्च की तरफ से? हाँ तो है दादी ने घुमाने लेके जाना है इसको। जाना कैसे कोई कार पड़ी है घर पे? ओला जिंदाबाद मैंने इजाजत ले ली। उस दिन मिल रही थी हमें ओला कितनी औखी आए थे घर लंबी जाने वाला मिल जाएगी आज है 11th ऑफ नवंबर दैट मींस मेरा बर्थडे सो हैप्पी बर्थडे टू मी। मामा ने तो विश कर दिया मुझे रात ही में HBD करके। अब हम सोच रहे हैं कि मैं और मामा कहीं जाते हैं घूमने। पहले तो शिवांश को घुमाएंगे उसके बाद हम थोड़ा बहुत घूम लेंगे थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लेंगे मम्मा। वैसे हम जब साथ में जाते हैं कभी शॉपिंग तो हमारी हुई नहीं आज तक। ये तो इतिहास है कभी शॉपिंग नहीं हमारी हुई बट लेट्स सी। तो फटाफट से घर के काम खत्म करते हैं रेडी होते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं और देन फिर चलेंगे। वाओ चलो ब्रेकफास्ट करें। वाओ ब्रेकफास्ट में है आज हमारा फेवरेट भरता। आज तो सारा दिन फेवरेट ही खाने को मिलेगा। सो फाइनली हो गए हैं रेडी और टाइम हो रहा है एक बज गया ना मामा डेढ़ बज गया। This is my outfit for today for birthday outfit basically। और मम्मा लास्ट आधे घंटे से कैब बुक कराते हुए क्या बना आपकी कैब का? ऑल राइट आर फुल। तैयार होकर घर ही कुछ रोटी पानी खा लेते हैं मम्मी कुछ मंगा लेते हैं। सुबह सुबह मुझे कह रहे हैं रेडी हो जा मैं रेडी भी हो गई हूँ। अब कब से लगे मैं कैब नहीं बुक हो रही अभी तो मैं हंस रही हूँ पता नहीं जा होगा कि नहीं। डाउटफुल चले शिवी उठ जाओ इतनी मुश्किल से कैब बुक हुई है आधा घंटा लग गया। उठो 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 घूम ही जाना बताओ देखो रोता है उत्ता क्यों है जल्दी करो घूमने जाना है क्यूटी जाओ चलो चलो चलो। मास्क ले लिया लॉक लगा रहे हैं अब नहीं चलते हैं। मुझे तो आज पूरा पूरा था कि आज बुक ही नहीं होनी जा ही नहीं पाना खुश हो रही थी चलते हैं क्योंकि रात को आई वॉज लाइक कि बोरिंग डे जाना है डल जाना है कहीं जाना नहीं आना नहीं क्योंकि संचय तो फ्री है ये फ्री होते हैं तो हम जा पाते हैं घूम पाते हैं तो इनके साथ तो हो नहीं पाना। देखा कितना हैप्पी है। चलो भैया की कार इतनी पसंद आ रही है देखो देखा ना मैंने देखो बोला था ना। चलो 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 बैठो बैठो बैठो। बताओ देख लो इनकी कार नहीं इसको पसंद है अंदर करो। दो बार आने में कहना चला घूम भी चले सूट ठीक कार नहीं सी भैया 7708 ये देखेंगे ब्लॉग पे ना पता चलेगा ये कैब्स को देख के वाह वाह करता है। फाइनली बैठ गए हैं कैब में और मम्मा सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? पृथ्वी प्लैनेट जाएंगे। हाँ मम्मा ने सोचा पहले हम सोच रहे थे कि मॉडल टाउन चलते हैं वहाँ पे जस्ट किडिंग है पर वहाँ हमने पूछा वहाँ पे बड़े लोग अलाउड नहीं है सिर्फ बच्चे जा सकते हैं और अभी ये इतना बड़ा नहीं है कि ये खेल सके वहाँ पे। तो वी हैव डिसाइडेड कि हम पीपी जा रहे हैं वहाँ पे फन जोन एरिया में। इसने जब निश्चय की शादी थी तब बहुत वहाँ पे एंजॉय किया था तो वहाँ पे हमने स्लॉट इसका बुक करवाया वहाँ पे जाएंगे पहले और देन फिर हम अपना देखेंगे कि कहाँ जाना क्या देख रहा है बैलून्स को ना कहाँ गए बैलून्स शिवी कार बैलून्स वाली कार चली गई। वाओ चलो उतर आओ। वाओ ये कभी निकला नहीं ना हम दोनों के साथ पीपी वाओ आजा आजा वाओ आजा कोई फंक्शन चल रहा है मम्मा इस सेम की बाहर फंक्शन चल रहा है तेरा मन करेगा तो तू वहां चली जाए। मैंने कहा मैं क्यों जाऊं आप जाना। वाओ गेम चल इसको फन जोन में मम्मी लेके चलते हैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए।
हाँ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा ना फिर इधर ले आ जा। चलो 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 आ जाओ। भागो 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 भागो। ओए जब से टीथिंग पे आया मेरे से इतना ऑब्सेस्ड है, he always want की मम्मी साथ हो। इतना प्यार पे इसने कभी नहीं दिखाया मुझे। वाह चलो 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 प्लेइंग एरिया शिवांश लेट्स गो। देखो दादी कहाँ लेके आई है देखो। ये भी गेम्स है बच्चों के लिए, ये तो नहीं ये खेल पाएगा ना। चलो शूज उतारो अपने और चलें। चला शिवांश चलो दिख गया इसको अब जाएगा। चीजों को देख के बहुत फैसिनेट हो रहा है ना, देख रहा है कि क्या कहाँ पड़ा हुआ है। वन टू थ्री। ओ ओ ओ मम्मा के ऊपर ये खड़े हो जाओ पहले मम्मी इसको खड़े करना। चलो गेट अप मेरी ये हैप्पी और ऑक्यूपाइड है। घर देखो सब टॉयज है पर नहीं खेलता ना ऐसे। इट्स टाइम टू गो। मम्मा इज नॉट रेडी टू लीव। भूख लगी है हमें इतनी गंदी वाली भूख लग रही है, मतलब मम्मा को नहीं पर मुझे भूख लग रही है। लंच करना है 3:30 हो गया मम्मा और ये अपना बिजी है, इसको खेलना है। हो चुका है इसे एंड ही इज नॉट गेट सेटिस्फाइड। अभी भी खेलना है इसको। घर ऐसे बिजी रहे तो क्या ही बात है, किस बात से रोकते हैं। हाँ ये है तो बना दो इसका एक ऐसी प्ले जोन, आप ही बना सकते हो। देख शिवी दादी बोल रही थी फन जोन घर पे भी बना देना है। तो बस यहाँ से निकलेंगे और फिलहाल तो मम्मा पहले कैब बुक करानी है, पहले कैब बुक करवाएंगे क्योंकि यहाँ से अब हमने मॉडल टाउन जाना है तो वे बहुत छोटा है, पहले हमें कैब ही मिल जाए। ये भी बड़ा स्ट्रेस है अभी। लेट्स गो इट्स टाइम टू गो कम ऑन चलो इट्स टाइम टू गो बेटू। वाह वाह इसका यही चल रहा है। हाफ एन आवर बाद पहुंचे हैं, कैब ही नहीं कोई मिल रही थी, हमेशा का ही है पास जाना होता तो कभी कैब नहीं मिलती। मम्मी को हंसी छूट रही है। अब एम पी एम आए हैं कुछ खाते हैं फटाफट से, बहुत भूख लग रही है यार। हम दोनों ने तो अपने लिए थाली मंगवाई है और अब देखते हैं कि संचित और पापा के लिए क्या पैक करवाना है। मैंने कहा आपकी कार में नहीं खुश होता ये एंजॉय कार कैब की है कैब। वाओ 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 कैंसिल हो गई। सो फाइनली बैक होम और आज बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही मस्ती की है। हाँ मेरी शॉपिंग रह गई क्योंकि संचित का पेट है, जिस दिन हमने कहीं जाना होता है या ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है उस दिन ये जल्दी फ्री हो जाते हैं। संचित यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है ना आपकी तरफ से कि आप मुझे टाइम से पहले लेने आ गए और मेरी सारी शॉपिंग रह गई, मैंने इतने प्लान्स बनाए। चलो कोई नहीं पर मैंने इंजॉय तो बहुत किया और मोर ओवर शिवांश ने मेरे बर्थडे पे इंजॉय किया, ये सबसे बेस्ट था। वो ऐसे गुम था उसे कोई होश नहीं था, कभी बॉल्स के साथ कभी वहाँ टॉयज के साथ। कोई बात नहीं फिर किसी दिन चल पड़ेंगे शॉपिंग को। तो अभी टाइम हो रहा है 8:30 और बस करने लगे थे डिनर। आज बहुत वैरायटी ऑफ फूड है डिनर में। यहाँ मम्मा ने बनाया हाक्का नूडल्स, ये मैंने पास्ता बनाया है, साथ में हम थाली ले आए थे संचित के लिए, ये पाव भाजी मंगवाई है, ये हाँ ये गोलगप्पे मंगवाए हैं। आज बाहर जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं था तो इसीलिए घर रैंडम फूड मंगा लिया जिसको जो पसंद है, किसी के लिए स्नैक्स और किसी के लिए थाली वगैरह। सारा केक जूठा कर दिया और इसको ये भी पता कि मैंने अपनी सारी कार्स भी उठाई, वही उठा रहा है बस इकट्ठी कर रहा है एक जगह। एक ही बार में नहीं ला सकता बारी में। बस फिनिश हो गई।